तू हरी हरी भांग घोट के लिया मेरे खातर। बात ऐसी है भोलेनाथ। कैसी? ये तेरी भांग घोटने ने मेरे बस की नहीं है। जब तेरा मेरा ब्याह हुआ तो इस बात की खोल होगी थी कि भाई शंकर भगवान को ना तो दान दहेज चाहिए ना तुम्हें खाना पीना। एक चीज की शर्त है और वह शर्त यह है कि भांग घोटनी पड़ेगी। तेरी भांग घोट घोट के मेरे हाथों में देख छाले पड़ गए। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत पूरा महीना पड़ा है सावन का। पहली बात तो यह है कि मैंने नहीं पता था कि भोलेनाथ इतनी भांग पीते हैं। अच्छा, मुझे पता होता ना मैं शादी नहीं करवाती। देख तेरे लिए सब क्या के ठाट कर रखे हैं। अच्छा, सारे ऐश कर रखे हैं तेरे खतर। बस काम एक ही है कि तेरे भांग घोटनी है और उसमें भी तू नाकरमोले से कर रही है। ये नाकरमोले? हाँ, मैं तो नू खुश हुई थी कि भोलेनाथ से शादी करूंगी तो मैं बहुत खुश रहूंगी। अभी नो करे तो ठाट कर रखे हैं। कौन से ठाट कर रखे? ठाट? तू एक बात बता, आज तक मैंने तेरे पर कपड़े धुआए हैं? नो कह रहा जी कपड़े धुआए हैं, कपड़े पैर है यू जो कपड़े धोऊंगी इसके। तेरे कने कदे घर में पोछा भारी करवाया है? तेरे घर है रहने जो घर में पोछा करूंगी मैं। कदे बर्तन मंजवाए तेरे कने? कदे खाना खा के देखा किसका हुआ है? एक कुंडी सोडा ला के घेर रखा मेरे उसी में लगाए रखा रहते हैं। तो वो एक काम है तो फिर करती रहे नाटक क्यों है? नहीं मेरे बस की नहीं है। अच्छा हाँ, और मैं तेरे कने घटवार का मान लूंगा। नहीं घोटूंगी। सुन ले, जब गिर गया घोड़ा से।